नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज इन द फिगर गिवन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, जो अपना मास यहाँ पे लटका हुआ है डब्ल्यू कैन हैव इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द 40 न्यूटन ब्लॉक कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन. नाउ सवाल सिंपल है. इस केस में अगर हम यहाँ पे आपके इस पॉइंट के लिए अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन ड्रॉ करें, सो लेट अस से यहाँ पे आपकी टेंशन टी है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री होएगा. इस टेंशन के कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा उसे आप कहेंगे टी कॉस 30. यहाँ जो टेंशन का कंपोनेंट होएगा वर्टिकल डायरेक्शन में उसको आप लिख सकते हैं टी साइन 30. सो अगर हम हॉरिजॉन्टली पहले कंपोनेंट्स को बैलेंस करें तो यहाँ पे टी साइन 30 जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आपका इसको रोकने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम दे रखी है 12 न्यूटन हो सकती है. तो विच इम्प्लाइज हम यहाँ पे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कि टी कॉस 30 शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपका फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, विच इम्प्लाइज टी कॉस 30 हो जाएगा आपका रूट 3 बाय 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, वैल्यू 12 दे रखी है. सो टी शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय रूट 3. राइट, एक स्टेप मैंने आगे कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रूट 3 से डिवाइड कर दिया. और अच्छा, इसको अगर सॉल्व करने लगेंगे तो इसको एक काम करते हैं, रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो नीचे आपका 3 बन जाएगा. सो विच मीन्स ये बन गया आपका 8√3, ये वैल्यू आ गई बिकॉज ये आपका 3 हो जाएगा. तो टेंशन शुड बी लेस देन 8√3. नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे सो वी कैन से टी साइन 30 शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, नहीं इसको उल्टा लिखते हैं, डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू टी साइन 30. ठीक है, टी साइन टी की वैल्यू ऊपर से वो कर देते हैं इंसर्ट, डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 8√3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 आ जाएगा आपका 1/2, और यानी कि डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 4√3. तो इसकी वैल्यू अगर देखेंगे ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 होता है 1.732. नाउ इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे सो वी कैन से डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आती है 6.928. तो W की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 2 6.92 वुड बी द राइट आंसर.